हाय एवरीवन, मेरा नाम चंदन है और मैं आपका स्वागत करता हूँ यूटिलिटेरियन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम लोग सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज चैप्टर 3 ऑफ इंडियन पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं। सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बिकॉज देयर आर अराउंड 15 to 16 सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो हो सकता है 8 से 9 सेलियंट फीचर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करें और कुछ सेलियंट फीचर जो बच जाए वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। सो दिस इज अबाउट कि दो वीडियोज में शायद इसको खत्म किया जा सके, राइट। इससे पहले हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। रादर इंडियन पॉलिटी की पूरी की सीरीज 102R की सीरीज ऑलरेडी खत्म की जा चुकी है। इट वॉज जस्ट कि वो वीडियो जो और वो प्लेलिस्ट इंडियन पॉलिटी की सीरीज थी वो कंप्लीटली इंग्लिश में थी और ये वाली जो होने जा रही है बाइलिंगुअल में। सो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हैं और वन गो में इंडियन पॉलिटी खत्म करना कर सकते हैं और करना चाहते हैं तो आप लोगों को आई बटन में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या फिर इस प्लेलिस्ट में आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी आप लोग वन गो में अगर खत्म करना चाहे। ये वाला जो सीरीज है ये टाइम टेबल फॉर्मेट में एज पार्ट ऑफ आर न्यू इनिशिएटिव वी हैव स्टार्टेड, राइट, और ये बाइलिंगुअल होने जा रही है। सो दैट वॉज अबाउट आर प्लान। नाउ कमिंग बैक टू सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्या अप्रोच, व्हाट इज गोइंग टू बी स्कोप फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाई दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे पहले है क्या। तो एज सच जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा तो उसमें वेरियस एक्ट्स थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यू हैव 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, देन यू हैड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, देन यू हैड वेरियस काउंसिल एक्ट, वेरियस चार्टर एक्ट, देन अमेंडिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। सो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उस चैप्टर में पढ़ा। देन सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली बना कैसे, क्या क्या इवेंट्स फॉलो हुए, क्या क्या डेट्स, क्या टाइमलाइन थी, कौन से इंपॉर्टेंट लोग थे, तो वो दो चैप्टर आई होप यू विल हैव क्लैरिटी ऑन। नाउ इस चैप्टर के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले सेलियंट फीचर होता क्या है, राइट। सो सेलियंट फीचर इज नथिंग, अगर मैं सेलियंट फीचर अगर अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ कि प्राइम मिनिस्टर की सेलियंट फीचर या फिर आपसे ही पूछा जाए फॉर दैट मैटर कि आपका सेलियंट फीचर क्या है, डिस्क्राइब योर सेल्फ, डिस्क्राइब सम सेलियंट फीचर ऑफ योर सेल्फ, तो आप क्या बताओगे। अगर आप चाहते हो कि आप अपने कैरेक्टर के लिए, अपनी सोसाइटी में आप अपने कैरेक्टर के लिए जाने जाते हो, गुड कैरेक्टर, हम्बल कैरेक्टर, तो आप अपने आप को, आपका जो रिकॉग्निशन होगा आपके अच्छे कैरेक्टर से। अगर आप एक रिलीजियस बंदे हो तो आपकी रिकॉग्निशन एक आपके फेथ से होगी, राइट। सिमिलरली अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर का, आपके प्राइम मिनिस्टर का बताना हो कि व्हाट इज द सेलियंट फीचर ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, देन ही इज नोन फॉर हिज ऑरेटरी skills. He happens to be very fashionable as well, right? Then he is also known for his assertive leadership, and then you do have his energy and determination. Literally, energy or determination jo hai is person mein, that is marvelous. It's not ki I am fan of any political person, but just to let you know ki what is this salient feature. So similarly, agar main salient feature ki baat karun, right, of Indian Constitution, Bharat ke samvidhan ki salient feature kya hai, to ye list aapke samne hai. But isse pehle ki hum log iske सेलियंट फीचर में डूबे या सेलियंट फीचर डिस्कस करना स्टार्ट करें, हम लोग अप्रोच की बात कर रहे थे कि इस चैप्टर को भी हम लोग क्या अप्रोच लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में आपको बताएगा, एज पार्ट ऑफ सेलियंट फीचर आपको बताया जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली किन किन चीजों के लिए जाना जाता है, एंड दैट इज व्हाट सेलियंट फीचर इज ऑल अबाउट, राइट। सो वी विल बी डिस्कसिंग कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन किन क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं, राइट। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया कि भाई अगर आपको अपना सेलियंट फीचर डिस्क्राइब करना हो तो कैसे डिफाइन, तो सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन का भी, अपने संविधान का भी कुछ सेलियंट फीचर्स हैं। सो दैट वी विल बी डिस्कसिंग। देन इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप देखोगे कि हम लोग कंपैरेटिव अप्रोच लेंगे। ये चैप्टर जो है लक्ष्मीकांत तक हम लोग लिमिट नहीं करेंगे। लेट मी टेल यू, विल बी टेकिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द अदर बुक्स एज वेल, अदर रिसोर्सेज एज वेल। सो जब मैं कहता हूं कि इस चैप्टर में हम लोग कंपैरेटिव अप्रोच लेंगे तो मेरा क्या मतलब है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग जब बात करेंगे इंडियन जुडिशरी की, राइट, या जुडिशियल इंडिपेंडेंस की जब बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशियल इंडिपेंडेंस
जुडिशरी की जो आज़ादी है वो किस तरह से इंश्योर की है, तो उस टाइम हम लोग सिर्फ अपने आप को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक लिमिट नहीं रखेंगे, हम लोग यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को भी टच करेंगे कि भाई यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी का इंडिपेंडेंस कैसे सिक्योर किया है। जब हम लोग लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि सिमिलरली प्लेस्ड या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास अदर लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से हैं। जब हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम की, इंडिया ने क्या क्या पार्लियामेंट्री, क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम ओवर प्रेसिडेंशियल सिस्टम चुना, राइट, जब डिबेट चल रही थी 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जो कि अमेरिका में चल रहा है उसकी तरफ जाना चाहिए, या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जिसका एक्सपीरियंस भी हमें था, बिकॉज आफ्टर 1935 जो 1937 में आपका इलेक्शन होता है, मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ रखी है तो आपको पता होगा, तो वो सारा का सारा सिस्टम हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम वहां हम लोग कंपेयर करेंगे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के क्या क्या स्ट्रेंथ है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के क्या क्या वीकनेसेस हैं, देन पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या क्या स्ट्रेंथ है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या क्या वीकनेसेस है। तो दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हम लोग इस चैप्टर में एक कंपैरेटिव अप्रोच के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जानेंगे, लेकिन एक कंपैरेटिव अप्रोच के साथ हम लोग जानेंगे, राइट। सो आफ्टर डिस्कसिंग स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, नाउ लेट अस डिस्कस इनटू 12 इनटू की सेलिएंट फीचर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेलिएंट फीचर क्या क्या है, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने किन किन इंपॉर्टेंट फीचर्स के लिए जाना जाता है। सो दीज आर 8 or 7 salient feature of Indian Constitution, and there are other salient feature of Indian Constitution as well that we'll be discussing. So first you have lengthiest written constitution, that is the first, then it has been drawn from various sources and these kind of things, और जो भी मैं अभी बता रहा हूँ ये अभी जस्ट मैं रीड कर रहा हूँ, अगले आने वाले स्लाइड्स में इन पॉइंट्स को हम एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। देन इट इज नोन फॉर, और द नेक्स्ट सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का नेक्स्ट जो सेलियंट फीचर है, दैट इज ब्लेंड ऑफ rigidities and flexibility. शायद हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको अभी समझ में ना आए, अगर पहली बार आप प्रिपरेशन कर रहे हो या पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो अभी आपको समझ में ना आए, बट विल बी डिस्कसिंग, लेट मी अश्योर यू कि विल बी डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर एज वेल, और सॉरी दीज फीचर्स इन डिटेल्स, राइट। सो नेक्स्ट इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, देन यू हैव सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। यहाँ हम लोग काफी टाइम स्पेंड करने वाले हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट की सोवरेनिटी है या पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है या जुडिशरी की सुप्रीमेसी है, बिकॉज ये डिबेट हमेशा चलता रहता है, आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। देन यू हैव इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है, राइट, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडियन जुडिशरी जो है इंटीग्रेटेड है एंड कैसे इंडियन जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट, व्हाट आर द मैकेनिज्म दैट इंश्योर्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट, सो दैट वी विल बी डिस्कसिंग। नाउ व्हाट आर द अदर सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो हियर ऑन दिस साइड ऑफ द स्क्रीन यू कैन सी देयर आर अदर सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन बिसाइड्स दिस, इसके अलावा भी आपका सेलिएंट फीचर है। सो यू हैव फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, देन यू हैव सिंगल सिटीजनशिप एंड डीपीएसपी, सेक्युलर स्टेट, ये सब अलग अलग है, सिंगल सिटीजनशिप एंड डीपीएसपी अलग, इट्स जस्ट कि स्पेस की दिक्कत थी तो इसलिए मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया। सिमिलरली फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज अलग अलग है, बट स्पेस की दिक्कत थी तो मैंने इन दोनों को एक साथ क्लब कर दिया। देन यू हैव सेक्युलर स्टेट, राइट, सो दैट इज ऑल्सो सेक्युलरिज्म, ऑल्दो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच वर्ब एटम नहीं मेंशन था, बट 1976 में आप 42nd अमेंडमेंट में देखोगे कि ये वर्ड इंसर्ट किया जाता है। जब हम लोग प्रीएम्बल में एंटर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 42nd अमेंडमेंट ने प्रीएम्बल में और क्या-क्या ऐड किया। तो सेक्युलरिज्म, ऑल्दो एज अ सोसाइटी एज अ नेशन वी हैव ऑलवेज बीन सेक्युलर, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड सेक्युलरिज्म या सेक्युलर जो ऐड किया गया था वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, सो वी आर आवर कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेलियंट फीचर ये भी है कि वी आर अ सेक्युलर स्टेट। देन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमारे यहाँ सभी एडल्ट्स को एक पर्टिकुलर एज के एवब सभी एडल्ट को वोटिंग के राइट्स, यूनिवर्सल वोटिंग के राइट्स दिए गए हैं, एंड दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देन यू हैव वेरियस काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन, लाइक यूपीएससी, देर आर वेरियस काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट बॉडीज, सो आर कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी एक सेलियंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के संविधान का। देन यू हैव दिस इमरजेंसी प्रोविजन, और ये भी सेलियंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इमरजेंसी प्रोविजन
आपके आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360, तीन काइंड ऑफ देयर आर थ्री काइंड ऑफ इमरजेंसीज, राइट? यू हैव नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, देन यू हैव प्रेसिडेंट इमरजेंसी आर्टिकल 356, एंड देन यू हैव फाइनेंशियल इमरजेंसी दैट इज आर्टिकल 360. सो दीज आर सम सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इज दीज फीचर, इन फीचर्स के लिए और इन फीचर्स से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो अराउंड 460 आजकल 470 के आसपास आर्टिकल्स हो चुके हैं, राइट? 470 प्लस, बट दीज आर सम पॉइंट्स बाय विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन बाय, राइट? सो दीज आर द सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव होते हैं, और इन सारे सेलियंट फीचर, एक्चुअली सारे सेलियंट फीचर को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. हम लोग क्या करने वाले हैं, जो अप्रोच हम लोग लेने वाले हैं, कि हम लोग इधर वाले जो आपको सेलियंट फीचर दिख रहे हैं, इन सेलियंट फीचर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. और यहां जो आप सेलियंट फीचर इस साइड देख रहे हो, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सिंगल सिटीजनशिप, डीपीएसपी, देन यू हैव सेक्युलर स्टेट या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इंडिपेंडेंट बॉडीज. सो इस पे इंडियन पॉलिटी में डिटेल्ड में लेक्चर हम लोगों ने पढ़ना है. इंडिपेंडेंट बॉडीज की बात करूं तो आपका यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, कैग, ऑल दीज बॉडीज वी आर सपोज टू स्टडी इन डिटेल. तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये सारे के सारे जो इस साइड हैं, क्योंकि हमें डिटेल में पढ़ना है, तो इन चीजों को हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, राइट? तो अभी के लिए बस ये समझ लो कि along with these things are also salient feature of Indian Constitution. But इन चीज़ों को, जो इस साइड के जो फीचर्स है, सेलियंट फीचर, राइट, ये आपको दूसरे चैप्टर्स में देखने को नहीं मिलेगा, राइट? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑन ऑल दीज थिंग्स, बी इट फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर तो आपका 7 से 8 घंटे का या 10 घंटे तक का लेक्चर बन जाएगा, राइट? सिमिलरली फंडामेंटल ड्यूटीज 1 घंटे में खत्म होगा, सिंगल सिटीजनशिप अराउंड 1 घंटे का, डीपीएसपी 1.5 से 2 घंटे लगेंगे हमको कवर कर. तो इन सब चीजों पे ऑलरेडी नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हमें टाइम स्पेंड करना है. सो वी विल नॉट बी स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस सेक्शन. अभी के लिए बस आप इतना जान लो कि दीज आर सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि ये वाले जो सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आने वाले चैप्टर्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा. तो इन सब चीजों को एक कंपैरेटिव अप्रोच के साथ, हालांकि इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जब जुडिशरी हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां देखेंगे कि इंडियन जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंस कैसे है, आर्टिकल वाइज देखेंगे हम लोग, बट स्टिल इसका थोड़ा सा कंपैरेटिव अप्रोच लेके ये सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो लेट अस पिक दीज सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन बाय वन एंड लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग इट, ठीक है? सो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में आप देखो तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे आप आर्टिकल वाइज देख लो या फिर लेंथ वाइज देख लो या नंबर ऑफ पेजेस वाइज देख लो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैपेंस टू बी वन ऑफ द नॉट वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट रादर मोस्ट लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. अगर आप यहाँ स्क्रीन देख पा रहे हो तो आप देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स वाइज अगर अप्रोच देखो तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, कब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना था, कब इंडिपेंडेंस यूएस को मिली, 1787 के आसपास आपका यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बना, और सिर्फ 4 पेजेस में आपका यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन सिमट के रह गया है, ओनली विद इन 7 आर्टिकल्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल है, और उस टाइम, ओहो यहाँ एक फैक्चुअल एरर है, उस टाइम जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 395 आर्टिकल्स थे, राइट? 395 आर्टिकल्स, 365 इसको करेक्ट करने की जरूरत है, 395. आज के डेट में आपको पास After 105 amendment, you have 470 around article, right? वैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखो, 128 आर्टिकल्स इट डज हैव. सिमिलरली कनाडा का देखो तो 147 एंड साउथ अफ्रीका में तो 153 आर्टिकल्स. सो आर्टिकल वाइज भी आपका सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है लेंथीएस्ट, पीस वाइज भी देखोगे तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में हम लोगों का है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है. अब रीजन अगर जानने की कोशिश करो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों इतना, मतलब यूएस जिसको एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सॉरी सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो हमारी है, राइट? तो सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी यूएस को जो माना जाता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन आप देखो तो सिर्फ 7 आर्टिकल्स में सिमट जाता है. व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ वी एक्सटेंडिंग आर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या जरूरत थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडर्स को कि हम इतना लंबा, इतना लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, राइट? वी कुड हैव ऑल्सो कंप्लीटेड आर कॉन्स्टिट्यूशन ओनली विद इन 4 मंथ्स. सो व्हाट वॉज दिस नेसेसिटी ऑफ एक्सटेंडिंग इट टू 2 ईयर्स, 11 मंथ्स, 17 or 18 days. So let us try to understand. See, अगर आप इंडिया की सोशल डाइवर्सिटी सबसे पहले देखो,
कास्ट के लाइंस पे, रिलीजियस के लाइंस पे, ट्राइब्स, एथनिक डाइवर्सिटी। सो सोशल लेवल पे आप डाइवर्सिटी देखोगे तो सोशल डाइवर्सिटी जितनी इंडिया में है आपको और किसी कंट्री में देखने को नहीं मिलेगी। आप किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाओ, कंट्रीज, छोटी छोटी कंट्रीज, कंट्रीज ऑफ साइज ऑफ मिजोरम, कंट्रीज ऑफ साइज ऑफ महाराष्ट्र, कंट्रीज ऑफ साइज ऑफ बड़े अगर कंट्रीज हैं, फ्रांस है आपका, जर्मनी है, यूके है, तो ये कहीं ना कहीं जाके आपके मध्य प्रदेश या तेलंगाना के साइज के हैं। ठीक है, छोटे छोटे कंट्रीज अगर आप देखोगे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरफ आप जाओ तो ये झारखंड के साइज के हैं, राइट। तो वहाँ की जो कंट्रीज हैं यूरोपियन कंट्रीज, वो मोस्टली लैंग्वेज के लाइंस पे, एक लिंग्विस्टिक मेजोरिटी में, एक कंट्री में आप किसी में जाओगे तो लिंग्विस्टिक लाइन पे डिवाइडेड है, राइट। तो एक लैंग्वेज के ही लोग मिलेंगे या फिर एक रेस के ही लोग। बट इंडिया में आप देखोगे हमारे पास लिंग्विस्टिक रिलीजियस डाइवर्सिटी है, हमारे पास लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, हमारे पास मल्टी रिलीजन के लोग हैं। आप ट्राइब्स में देखो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है, कितने सारे स्टेट्स अलग अलग ट्राइबल, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं। दैट्स व्हाई यू हैव इन कॉन्स्टिट्यूशन उनके प्रोटेक्शन के लिए फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल, दैट वी विल बी डिस्कसिंग। सो सबसे पहले जो रीजन है लेंथीएस्ट स्टेट, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट्स के, उनके अधिकारों के सुरक्षा के लिए, राइट, यू डू हैव सम प्रोविजन हैज बीन एडेड टू आर कॉन्स्टिट्यूशन। और जब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस ऐड किए जाएंगे इनके अधिकारों के रक्षा के लिए, इन सोशल ग्रुप्स के लिए, राइट, रिजर्वेशन ऐड किया गया एससी एसटीज के लिए, राइट, उनके अधिकारों के रक्षा के लिए, तो ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत तो लंबा होगा ना। देन यू हैव वेरियस काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर, अभी हमने सोशल डाइवर्सिटी देखी, देन यू हैव वेरियस काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर, देन यू हैव वेरियस काइंड ऑफ हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स में आप जाओ तो यू अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही आप साइज देखो तो वॉल्यूमनस साइज था, और उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का अराउंड 35-40% जो है वो प्रोविजन हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। तो ऑफ कोर्स इस रीजन से भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफी लंबा हुआ। इवन इंक्लूडेड इवन बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, आर्टिकल 311 से आर्टिकल 315 में आप जाओ तो इसमें सिविल सर्वेंट्स के क्या क्या राइट्स है, सिविल सर्वेंट्स के क्या क्या कैसे कैसे अपॉइंटमेंट होगा, ये तक ये बेसिक डिटेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, सेंटर और स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स का बंटवारा कैसे है, सो ये सब चीज़ें भी इवन माइन्यूट डिटेल्स, और हो सकता है इन माइन्यूट डिटेल्स की वजह से बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत संविधान को, कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी लेंदी, इतनी बारीक एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल डालने की एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इंपॉर्टेंट बुक में जरूरत नहीं थी। बट लेट मी टेल यू गाइस कि ऑल्दो इट मे बी क्रिटिसाइज ऑन फ्रंट ऑफ लेंथीएस्ट, बट बारीकी से डालने का फायदा ये हुआ कि आपको यूएस में आप जाओ 7 आर्टिकल्स है, और इसकी वजह से रीजन ये है कि वहां उनका जो सुप्रीम कोर्ट है हर माइन्यूट केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट में वेरियस गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को भागना पड़ता है कि इंटरप्रिटेशन के लिए, राइट। सो दैट इज नॉट द केस, हालांकि हमें भी भागना पड़ता है, हमारे स्टेट्स भी सेंटर के खिलाफ जाते हैं या सेंटर स्टेट के खिलाफ जाता है, बट स्टिल पॉसिबिलिटी ऑफ वी एज अ स्टेट सेंटर स्टेट का डिस्प्यूट जो है पॉसिबिलिटी इंडिया में काफी कम है देन यूएस, बिकॉज सब कुछ क्लियरली रिटन रखा हुआ है। जस्ट अ मोमेंट गाइस, सो क्लियरली रिटन रखा हुआ है, सो दैट इज द रीजन। तो एंड देन प्रेजेंस ऑफ नेक्स्ट रीजन आप देखोगे कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट वॉज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड कि प्रेजेंस ऑफ सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स जो थे वो कहीं ना कहीं सारे के सारे वकील, एडवोकेट बैकग्राउंड से थे, बी इट योर ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन दैट इज अंबेडकर, बी इट राजेंद्र प्रसाद, बी इट जवाहरलाल नेहरू, बी इट एनी पर्सन यू सी, मोस्ट ऑफ रादर 70-80% ऑफ पीपल वर फ्रॉम बैरिस्टर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 70-80% ऑफ द पीपल हु आर मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो कहीं ना कहीं उनकी वकालत की, एडवोकेसी की बैकग्राउंड थी। तो उनकी लैंग्वेज भी जो आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज जो यूज़ की गई है वो लैंग्वेज भी कंप्लीटली अलग है, राइट। एक छोटी सी बात को कहने के लिए एक इतना बड़ा सेंटेंस वो लोग यूज़ करते थे, राइट। तो दैट इज ऑल्सो रीजन यू कैन एट्रीब्यूट कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यू हैव हिस्टोरिकल रीजन, यू हैव ज्योग्राफी reason, you have social diversification reason, you have this presence of legal luminaries, and then you have because it included administrative, even basic administrative detail, and all these reasons
कैन बी एट्रीब्यूटेड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी लेंथीएस्ट, राइट? सो फर्स्ट फीचर, सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी हो गई होगी। अब ये जो सेकेंड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं, या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रखे गए हैं, वो अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने पढ़ा, राइट? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स हैं, राइट, उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल, अलग अलग कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन के उस टाइम के, और जो जो अच्छे फीचर्स थे, राइट, वो फीचर्स हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, राइट? एंड दैट्स वाई कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है कि आर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज जस्ट जस्ट हैज बीन मेड और अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, और इट हैज बीन मेड बाई बोरोइंग प्रोविजन फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये क्रिटिसिज्म हो सकता है, बट लेट अस उस क्रिटिसिज्म वाले पार्ट में हम लोग लास्ट सेक्शन में इस वीडियो के एंटर करेंगे। अभी जो सेकेंड सेलियंट फीचर है, दैट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, और इस सेक्शन से लेट मी टेल यू, ये फैक्चुअल सेक्शन है, इस सेक्शन को आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। पिछला वाला जो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, वो सिर्फ वन लाइनर था, बट यहाँ आप देखोगे, यहाँ आपको जो वेरियस फीचर्स हैं, बीट प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम, बीट रिपब्लिक कहाँ से ऐड किया गया, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी ये कहाँ से ऐड किया गया, लेजिस्लेशन जो हम बनाते हैं तो लेजिस्लेशन का सिस्टम कहाँ से अडॉप्ट हुआ, सिटीजनशिप कहाँ से अडॉप्ट हुआ, DPSP हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, सो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हम लोगों का ओरिजिनल आइडिया था या किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी था और हमें लगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स को लगा कि ये अच्छी चीजें हैं, राइट, और ये हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल में रखनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि कंट्रीज देखेंगे, आप यहां कंट्रीज देखोगे और उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स ने क्या बोरो किया है, वो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे, राइट? सो एक बार देखते चलते हैं। प्रेसिडेंट, जिसको नॉमिनल हेड हमने बनाया, राइट, जब प्रेसिडेंट के चैप्टर में हम लोग एंटर करेंगे और प्राइम मिनिस्टर में एंटर करेंगे, तो आप देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर को रियल हेड बोला जाता है एंड प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड बना। तो प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड जो बनाया गया, वो यूनाइटेड किंगडम में आप सिस्टम देखोगे कि वहां भी पार्लियामेंट है, द वे वी डू हैव पार्लियामेंट, और द वे दे हैव देयर पार्लियामेंट सिमिलर ऑन द सेम लाइन वी डू हैव पार्लियामेंट। और यहां जो प्राइम मिनिस्टर यूके में है, वो वहां भी रियल हेड होते हैं, और जो क्वीन है वहां, राइट, एम्परेस और किंग, वो वहाँ नॉमिनल हेड होते हैं। तो ऑन द सेम लाइन, बिकॉज हमारे को राजशाही नहीं चाहिए थी, हमारे पास प्रेसिडेंट है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, बिकॉज वी हैपन टू बी रिपब्लिक, तो प्रेसिडेंट को हमने नॉमिनल हेड का जो दर्जा दिया है, वो दैट इज ऑन लाइंस ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम। देन कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, राइट, सो कैबिनेट सिस्टम वाला है, ये भी हमने यूके से लिया है। देन पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने अडॉप्ट किया, हमने प्रेसिडेंशियल, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो, और गवर्नेंस, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, दैट हैपेंस टू बी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने कहां से लिया है, दैट इज आल्सो फ्रॉम यूके, आर कॉलोनियल मास्टर। यूएसए से क्यों नहीं ले सकते, यूएसए से हम लोग ये इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं, राइट? मोस्ट ऑफ टाइम आपको यूके और यूएसए में बहुत कंफ्यूजन रहेगा, वहां क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, राइट, वहां प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, राइट? अभी आपका जो बिडेन हैज बीन वोटेड इन for the power, then we do have post of prime minister, and this has also been taken from UK, our colonial master. Then you have bicameral parliament, that is we do have two houses, that is Rajya Sabha and Lok Sabha. Then you have this council of minister, ye bhi UK se liya gaya hai. Provision of speaker in the Lok Sabha, ye bhi aapka UK se liya gaya hai. Legislation hum log kaise design karenge, kaise enact karenge, kaise enable karenge, wo bhi aapka UK se liya gaya hai. Concept of single citizenship, ab yahan bhi thoda sa differentiation jaruri hai. UK mein aapka concept of single citizenship hai, USA से क्यों नहीं लिया हमने, यूएसए से इसलिए नहीं लिया बिकॉज यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप का आपका लफड़ा है, एक सिटीजन वहां, वहां एक जो पर्सन है वो एक टाइम पे दो जगह का सिटीजन होता है, ही इज सिटीजन ऑफ स्टेट दैट ही बिलोंग्स, लाइक इफ आई बिलोंग टू यूपी और दिल्ली और हरियाणा, देन आई विल बी सिटीजन ऑफ हरियाणा एज वेल एंड इंडिया एज वेल। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट इज प्रिवेलिंग इन द यूएसए, बट इंडिया में वो सिस्टम नहीं है, आप इंडिया के सिटीजन हो, आप किसी स्टेट के सिटीजन नहीं हो, स्टेट के रेजिडेंट हो सकते हो बट आप सिटीजन इंडिया के हो, राइट, वोटर आईडी कार्ड में आपका इंडिया दिखाता है। तो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो यूके का कॉन्सेप्ट है। देन
रिट्स इशू करने का जो कॉन्सेप्ट, जब फंडामेंटल राइट में हम लोग जाएंगे आर्टिकल 32 डिस्कस करेंगे, तो आप लोग देखोगे कि रिट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रिट्स हैज बीन टेकन बाय टेकन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, देन यू डू हैव दिस रूल ऑफ लॉ, डाइसी का रूल ऑफ लॉ, एंड दिस हैज ऑल्सो बीन अडॉप्टेड फ्रॉम व्हाट यू कॉल दिस यूके, यूनाइटेड किंगडम। सो दैट इज अबाउट सेकेंड फीचर ऑफ द सेकेंड सेलियंट फीचर, सेलियंट फीचर में ये ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, राइट। और चीजें क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने अलग अलग कंट्रीज से ली हुई हैं, तो यूनाइटेड यूके का हमने देख लिया, अब यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं, क्यों यूनाइटेड स्टेट्स से हमने लोगों ने क्या क्या लिया है। तो प्रीएम्बल, हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्ट होता है वो प्रीएम्बल से होता है, और यूएसए का भी कॉन्स्टिट्यूशन जो आप देखोगे वो प्रीएम्बल से ही स्टार्ट होता है, और रादर पहले तीन वर्ड्स जो है वो सेम है, वी द पीपल, वी द पीपल, राइट। देन यू हैव फंडामेंटल राइट्स, ये भी हम लोगों ने यूएसए से, इसका इंस्पिरेशन भी हम लोगों ने यूएसए से लिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स। नाउ हियर आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है, फंडामेंटल राइट्स तो यूएसए से लिया है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग रसिया से लेंगे, राइट। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है, जुडिशरी यूएसए की सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गन मानी जाती है, एंड दैट्स व्हाई टू मेक और टू गिव सिमिलर अमाउंट, ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट ऑफ पावर टू द जुडिशरी, दिस इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाला जो रोल है वो हम लोगों ने यूएसए से लिया है, राइट। देन जुडिशियल रिव्यू, अब बिकॉज जुडिशरी वहां की मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है, तो उनका जो टूल है, जुडिशरी का जो टूल है जुडिशियल रिव्यू, जिससे कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, जब आर्टिकल 13 आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स में हम लोग एंटर करेंगे, तो आर्टिकल 13 आप देखोगे तो वहाँ हम लोग जुडिशियल रिव्यू हम लोग स्टडी करेंगे। क्या जुडिशियल रिव्यू, एक्चुअली ये एक टूल है थ्रू विच जुडिशरी जो है सेंट्रल लॉज को रिव्यू करती है, राइट। देन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होगा, वो भी यूनाइटेड स्टेट से ही हम लोगों ने लिया हुआ है। देन यू हैव रिमूवल ऑफ जजेस, दैट इज इम्पीचमेंट, राइट, सिंपली, तो वो भी यूनाइटेड, तो ये दोनों को आप इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है और यहाँ रिमूवल ऑफ जजेस है, राइट। सो ये दोनों मेथड हम लोगों ने यूएसए से लिया है। देन यू हैव फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वो भी हम लोगों ने यूएसए से लिया हुआ है। तो यूके से आपका हो गया, यूएसए से हो गया, नाउ डिस्कस कि कनाडा से, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या लिया हुआ है। तो फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, राइट, वो हम लोगों ने फेडरल सिस्टम, वैसे फेडरलिज्म आप देखोगे तो 1935 में भी इसका कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी ये था, बट जब अब बात आती है कि हमें उस टाइम स्ट्रॉन्ग सेंटर को जो है वो स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा पावर, जो डिवाइसिव जो टेंडेंसीज थी उस टाइम 1947 में कम्युनल हारमोनी जो डिस्टर्ब हुआ था, पाकिस्तान कंप्लीटली अलग नेशन बन गया, तो उन तरह की टेंडेंसीज को कंट्रोल करने के लिए इट वाज नेसेसिटी कि भाई हम लोग सेंटर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग विज स्टेट्स, जबकि स्टेट्स अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी असर्ट कर रहे थे उस टाइम अलग अलग लाइंस पे, तो इट वाज नेसेसरी कि इंटीग्रेशन के लिए हम लोग सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाए, राइट। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर फेडरल सिस्टम वो कनाडा से हमने लिया हुआ है। देन रेजिड्यूरी पावर जो सेंटर में इन्वेस्ट होता है, ये फीचर भी हम लोगों ने कनाडा से लिया हुआ है। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स की बात करें, तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर भी हम लोगों ने कनाडा से लिया हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हम लोगों ने यूएसए से क्यों नहीं लिया, क्योंकि यूएसए में गवर्नर्स की डिफरेंट प्रोविंसेस में, डिफरेंट स्टेट में अपॉइंटमेंट नहीं होती, बल्कि क्या होता है वहां इलेक्शन होता है यूएसए में। यहां आपके प्रोविंसेस में, कैनेडियन प्रोविंसेस में आप देखोगे कि अपॉइंटमेंट होता है, द वे वी डू हैव इन वेरियस स्टेट, सेंटर अपॉइंट करता है, सिमिलरली वहां। सो ये वाली जो फीचर है ये हम लोगों ने कैनेडा से इंस्पिरेशन लिया। देन एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आप देखोगे ये भी कैनेडा से लिया गया है। सो ये आपका यूके हो गया, यूएसए हो गया एंड कनाडा हो गया। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या लिया हुआ है। तो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने बोरो किया हुआ है। देन फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, दैट इज आर्टिकल 301 टू आर्टिकल 307, आर्टिकल 301 रादर, राइट। सो ये हम लोगों ने लिया हुआ है आपका ऑस्ट्रेलिया से। देन कॉनकरेंट लिस्ट, वी डू हैव दीज लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, देन कॉनकरेंट लिस्ट, राइट। सो ये कॉनकरेंट लिस्ट हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। देन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट ओवर अ नॉर्मल लेजिस्लेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन में आपका ये नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, नॉर्मल जो लेजिस्लेशन है उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो दो हाउसेस को की ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, और ये वाला जो प्रोविजन है हम लोगों ने अगेन ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। अब बात करें आयरलैंड से हमने क्या लिया हुआ है, तो आयरलैंड से मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और इस चीज को आपको याद रखना है, आयरलैंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है डीपीएसपी,
राइट। तो डीपीएसपी हम लोगों ने आयरलैंड से लिया हुआ, डीपीएसपी आयरलैंड फंडामेंटल राइट कहां से लिया हुआ है, फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया हुआ है, रसिया से, अभी पढ़ा नहीं है बट मैं बता देता हूं। तो डीपीएसपी आयरलैंड फंडामेंटल राइट्स यूएसए फंडामेंटल ड्यूटीज यू हैव फ्रॉम रशिया, राइट। अब बात करें आयरलैंड की, आपकी बात हो गई, देन यू हैव फ्रांस, फ्रांस से आपका जो वर्ड है प्रीएम्बल में रिपब्लिक, फ्रांस से हमने वो लिया हुआ है। देन देयर आर थ्री अनदर वर्ड दैट इज LEF, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, दैट इज इन प्रीएम्बल, वो वर्ड भी अगेन हम लोगों ने फ्रांस से लिया हुआ है। आई होप आपको क्लैरिटी होगी कि किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से, किस किस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया हुआ है। रसिया की बात करूँ तो फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट देखो किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी में, तो एटलीस्ट एक्सेप्ट जापान, किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट सोशलिस्ट कंट्री में इसका बहुत पॉपुलराइजेशन है, एंड बिकॉज रशिया happens to be socialist country, जो कि अपने citizens को सिर्फ right देने में interest नहीं रखता, बल्कि थोड़ी बहुत duties भी उनको बोलता है कि भाई ठीक है, हम लोग rights as a state we are extending your rights, although ये बहुत debatable topic है कि भाई जो rights है वो privileges, जो fundamental rights state ने दिया है या constitution ने दिया है, ये कोई privilege नहीं है जो हमें extend किया हुआ है, ये एक natural right है, but उस debate में हम लोग नहीं जाते। तो communist countries या socialist countries का क्या दावा है कि as a state to our own citizen if we are extending rights, so those rights should be bounded by some duties as well, fundamental, तो fundamental duties है, and fundamental duties will always come from the inspiration of fundamental duties, will always come from any of the communist or socialist country. Then idea of social, economic and political justice in preamble की अगर बात करूँ तो वो भी रशिया से आया हुआ है। देन प्रोसीजर, जो अमेंडमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, किसी भी आर्टिकल में कोई अमेंडमेंट करना है, किसी प्रोविजन में कोई अमेंडमेंट करना है, सो दैट इज कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। देन इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, वो भी आपका साउथ अफ्रीका से आया हुआ है। इमरजेंसी पावर्स टू बी इंजॉयड बाई द यूनियन, दैट इज आर्टिकल 352, 356, 360, वो आपका जर्मनी से आया है। एंड देन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359, जब हम लोग ये पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, दैट इज डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजन, सो वहाँ आप लोग देखोगे कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है ड्यूरिंग when operation emergency is an operation, so that feature has also been borrowed from Germany, right? अब Government of India Act 1935 से हम लोगों ने क्या लिया है, तो हम लोगों ने लिया है फेडरल स्कीम, रोल ऑफ फेडरल जुडिशरी, ऑफिस ऑफ गवर्नर दैट हैज बीन टेकन बाई, देखो ऑफिस ऑफ गवर्नर हैज बीन अंडरटेकन, सो यहाँ आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ऑफिस ऑफ गवर्नर हैज बीन टेकन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बट वेन इट कम्स टू अपॉइंटमेंट, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, तो वो वाला भी आपका कैनेडा से लिया गया है। देन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, ऑल दीज फीचर्स हैज बीन टेकन बाई गवर्नमेंट। अब इतने सारे फैक्चुअल चीजों को आप याद कैसे रखोगे, तो देखो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ये डीपीएसपी, ये तो ऑलरेडी याद हो गया होगा, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जैसे इमरजेंसी, इमरजेंसी आप ये याद रख सकते हो, हिटलर ने इमरजेंसी इंपोज करके सत्ता हथियाई थी, तो इमरजेंसी वाली जो चीजें हैं वो जर्मनी से आप याद कर लोगे। देन आपका ऑस्ट्रेलिया से क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट है आपका, फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड है, ये सब ऑस्ट्रेलिया से है। आयरलैंड से डीपीएसपी वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट, फ्रांस से हमने प्रीएम्बल, प्रीएम्बल की जब भी बात आएगी कि प्रीएम्बल में कुछ चीज़ें हैं जो हमने किस कंट्री से बोरो की हैं, तो वो आपका फ्रांस से बोरो करना पड़ेगा आपको प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल को आप कनेक्ट कर लो फ्रांस से। यूनाइटेड स्टेट्स से फंडामेंटल राइट्स हो गया, और क्या हो गया, वहाँ की जुडिशरी बहुत स्ट्रांग है, तो ये दो दो तीन तीन आप फीचर्स जो हैं वो याद कर लो किस कंट्री से, बाकी आप लोग एलिमिनेशन का टेक्निक, ये अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप लोग वो चीज़ें भी कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ें याद कर सकते हो, बट मेमोरी अगर अच्छी नहीं है इन दैट केस आप लोग दो दो चीज़ें, तीन तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हर एक कंट्री या हर एक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने डिस्कस किया है उससे याद कर लो, रेस्ट ऑफ थिंग्स यू वुड बी ईजिली, और ये आपके यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर में आप देखोगे ये वाला जो तीन चार स्लाइड जो कि दैट इज अंडर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, तो ये वाला जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी। तो एज पार्ट ऑफ सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, तो हमने पहला फीचर सेलियंट फीचर डिस्कस कर लिया, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान जो है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। देन इट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब थर्ड पे अगर चले कि थर्ड सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
क्या कहता है। तो थर्ड फीचर, सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटीज एंड फ्लेक्सिबिलिटीज। अब इसको समझने के लिए, इस सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए आपको इन दो वर्ड्स का डिक्शनरी मीनिंग समझना पड़ेगा। ये क्यों कह रहा है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटीज एंड फ्लेक्सिबिलिटीज। सो सी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंडेबल कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि देखिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप रिजिड बना दोगे कंप्लीटली कि नहीं नहीं इसका अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता, हमने जो बना दिया वो है और इसी के हिसाब से अगले 200 सालों तक 300 सालों तक आप लोग रूल करने जा रहे हो, अगर ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने कर दिया होता तो आई कैन गारंटी यू कि विद इन 40 इयर्स और 50 इयर्स और 30 इयर्स रादर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा का पूरा रिप्लेस करना। तो वो बड़े वाइज लोग थे, बहुत विजनरी लोग थे। उन लोगों ने क्या किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत वाइजली बनाया, बट देन इट लेफ्ट टू द पार्लियामेंट कि पार्लियामेंट के विजडम पे कि पार्लियामेंट जब भी आपको लगे कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है या इसका कोई फीचर या कोई आर्टिकल जो है वो करंट डिमांड्स को या करंट एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा, पीपल्स एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा, देन वी आर गिविंग यू पावर थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन इट्सेल्फ कि आप लोग इसको चेंज कर सको। बट देन ऐसा नहीं है कि चेंज जब मर्जी हो तब कर सको। तो इसके लिए क्या किया गया, दो कैटेगरीज में बांटे गए या तीन कैटेगरीज में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट आर्टिकल को ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस बांटा गया। तो कुछ प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जो कि बहुत ईजिली अमेंड, बहुत ईजिली चेंज गवर्नमेंट चाहे पार्लियामेंट में जाके ऑन द बैक ऑफ नंबर्स, अगर उनके पास नंबर्स है कितने नंबर वो हम लोग डिस्कस करेंगे, कितना बंदों का सपोर्ट चाहिए, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट चाहिए, तो कुछ प्रोविजन जो है बहुत आसानी से चेंज किए जा सकते हैं, अमेंड किए जा सकते हैं, और उन प्रोविजन की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। बट देयर आर सर्टन प्रोविजन जो कि इतनी आसानी से, जो कि स्टेट इंटरेस्ट, इंडिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहली बात जो बता दूँ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट, सॉरी पार्लियामेंट जो है सेंटर में बैठ के सिर्फ पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। स्टेट का जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने में या अमेंड करने में, अमेंडमेंट को इनिशियलाइज करने में कोई रोल नहीं है। स्टेट डज नॉट हैव एनी रोल इन इनिशियलाइजिंग द अमेंडमेंट। अगर स्टेट चाहता है कि किसी आर्टिकल में बदलाव हो तो पॉलिटिकल लेवल पे ये सिर्फ गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को सजेशन दे सकता है। स्टेट्स अपने लेजिस्लेचर में बैठ के, और यही एक चीज़ है जो कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा अच्छा बनाती है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे कि इवन स्टेट डज हैव प्राइमरी रोल इवन इट कम्स टू अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव अप्रोच हम लोग लेंगे, तो कंपैरेटिव अप्रोच हम लोग यहां लेने जा रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है, वो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटीज एंड फ्लेक्सिबिलिटीज। तो देखते हैं कुछ प्रोविजंस जो है, जैसा कि मैंने बताया कुछ प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जो कि सिंपल मेजोरिटी के साथ ही चेंज किए जा सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी, ये क्या है सिंपल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी, ये लोग हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ सिंपल मेजोरिटी में आपको बता देता हूँ, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन, ये हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में इसके ऊपर डेडिकेटेड डिस्कशन, रादर ये स्लाइड स्नैपशॉट जो है वो आगे आने वाले चैप्टर से ही लिया गया है। तो सिंपल मेजोरिटी का क्या मतलब है, ये सारे जो फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये पार्लियामेंट अगर सपोज किसी दिन बैठी हुई है, लोकसभा में 100 बंदे हैं और राज्यसभा में भी 100 बंदे हैं, और इनमें से किसी फीचर को, इंडियन भारत के संविधान के इनमें से किसी फीचर को अगर बदलाव लाना है, चेंज करना है, तो उस केस में अगर 100 बंदे उस दिन बैठे हुए जिस दिन अमेंडमेंट ये मूव हो रहा है, तो सिर्फ 51 बंदे दोनों हाउस में अगर सपोर्ट कर दे कि हाँ ये अमेंडमेंट होना चाहिए, ये बदलाव होने चाहिए, इसके इस प्रोविजन में बदलाव होने चाहिए, तो बदलाव हो जाएगा। तो कितना ईजी है, सिर्फ आधे से एक ज्यादा नंबर चाहिए और बदलाव हो जाएगा। सो दैट इज सिंपल मेजोरिटी। बट देयर आर सर्टन प्रोविजन, इन प्रोविजंस को अगर चेंज करना है, फंडामेंटल राइट DPSP राइट, इनको चेंज करना है, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। और इनमें से किसी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, कोई बदलाव लाना है, तो इस केस में सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं होगी पार्लियामेंट को, बट पार्लियामेंट को इन रेटिफिकेशन के बाद, इन चेंजेस के बाद, ये प्रपोजल जो है स्टेट लेजिस्लेचर को भी भेजना पड़ेगा। एंड इट इज़ ओनली व्हेन स्टेट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर राइट हैज़ अप्रूव्ड इट राइट, हाउ मेनी स्टेट्स वी डू हैव 28 राइट, ओनली व्हेन half of the state legislatures have approved such ratification in these area,
ओनली देन दीज अमेंडमेंट विल बी सेट टू बी सक्सेसफुल, राइट। सो इसलिए क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऐसे हैं जो कि सिंपल मेजोरिटी के साथ अमेंड किए जा सकते हैं, तो उनको उनकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बोला गया। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऐसे हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी और रेटिफिकेशन विद द स्टेट की भी जरूरत है, राइट। आई होप यू डू है। और इसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बोला गया, राइट। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटीज, इट इज अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटीज एंड फ्लेक्सिबिलिटीज। आई होप यू विल हैव क्लैरिटी ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। अब इसको कंपैरेटिव अप्रोच में अगर लें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, स्टेट का थोड़ा बहुत रोल इस एरिया में है, बट इट इज व्हेन अमेंडमेंट हैज ऑलरेडी बीन इनिशियलाइज एंड पास बाय द पार्लियामेंट, स्टेट के पास रेटिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा, एंड इट इज ओनली व्हेन इन एरियाज में, राइट। जबकि आप देखोगे वहाँ यूएसए में जाओ और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट लाना है तो स्टेट्स भी इनिशियलाइज अमेंडमेंट को कर सकती है, राइट। स्टेट को अगर इनिशियलाइज करना हो तो स्टेट कैसे करेगी, 2/3 ऑफ द स्टेट। यूएसए में कितने स्टेट्स हैं आपके, कितने प्रोविंसेस हैं, यू डू हैव 50 स्टेट्स। सो 2/3 ऑफ द स्टेट को, दैट इज 50 का 2/3 आपका कितना होगा, तो 2/3 ऑफ द स्टेट अगर रिक्वेस्ट करते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस वहाँ की पार्लियामेंट को बोलते हैं, हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोलते हैं, वहाँ कांग्रेस बोलते हैं, तो अगर 2/3 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वेस्ट ये कांग्रेस की, हे हमें ये अमेंडमेंट हमें लगता है कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाना चाहिए, ठीक है, तो आप ऐसा करो नेशनल कन्वेंशन बुला लो। नेशनल कन्वेंशन करके एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, तो नेशनल कन्वेंशन आप बुला लो, और नेशनल कन्वेंशन अगर जो बैठेगी वो अगर 2/3 मेजोरिटी से पास कर देती है उस अमेंडमेंट को जो कि स्टेट ने बोला था कांग्रेस को बुलाने के लिए, और फिर ये स्टेट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाएगा, और 3/4 मेजोरिटी से अगर स्टेट भी अप्रूव कर देती है तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अफेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ स्टेट ने रिक्वेस्ट किया कांग्रेस को और यहाँ फिर स्टेट ने रेटिफाई भी किया। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को वो करने का, चेंज करने का, तो 2/3 ऑफ द मेंबर्स का अप्रूवल बोथ द हाउसेज में चाहिए, एंड देन ये स्टेट के पास, कांग्रेस ने अगर 2/3 से पास कर भी दिया इवन देन इट विल गो टू द स्टेट्स, राइट, स्टेट लेजिस्लेचर, एंड 3/4 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैज ऑल्सो टू अप्रूव दिस, राइट राइट। तो उसी केस में आपका ये होगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखो कितना डिफिकल्ट है, हमेशा आपको यहाँ वाले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखो मोस्ट ऑफ द फीचर कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी, बट यहाँ ये केस नहीं है, हर अमेंडमेंट में आपको 2/3 ऑफ द मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, देन स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट आएगा हर अमेंडमेंट में। यहाँ ऐसा नहीं था, हर अमेंडमेंट में स्टेट के पास पार्लियामेंट को नहीं जाना, ओनली इन दीज अमेंडमेंट स्टेट के पास जाना है, राइट। बट यहाँ हर अमेंडमेंट में यूएसए में आप देखोगे, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में हर अमेंडमेंट में स्टेट के पास जाना पड़ रहा है, तो इस वजह से यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड माना जाता है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द रिजिडनेस ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन दैट यू विल नोटिस कि यूएस में 12,000 बार आज तक, इन कितने साल हो गए इंडिपेंडेंस के यूएस को, अराउंड 237 से अगर आप स्टार्ट करो तो 230 इयर्स अराउंड यूएस के इंडिपेंडेंस को हो गया है, और आप देखोगे आउट ऑफ 12,000 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट यूएस कांग्रेस और स्टेट हैज अटेम्प्टेड सो फार, ओनली 27 अमेंडमेंट हैज बीन सक्सेसफुल। इट इज बिकॉज ऑफ द रिजिड प्रोसीजर दैट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन डज हैव, राइट। अगर आप देखो दूसरी तरफ, ये कॉन्टिन्यूम, फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्टिन्यूम का नाम मैंने दिया हुआ फ्लेक्सिबल, तो यूएस लेस फ्लेक्सिबल है, राइट। मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूएस का है। वहीं आप इंग्लैंड का देखोगे, इंग्लैंड का कोई वैसे कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही नहीं, बट जो भी रूल्स और प्रेसिडेंट भी है वो जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं, पार्लियामेंट जो है वहाँ का बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इंग्लैंड आपका इस फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्टिन्यूम में कम्प्लीटली इस साइड कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इंडिया को अगर मैं पोजिशन करूँ उस फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्टिन्यूम पे, तो इंडिया कहीं ना कहीं बीच में आता है, ना तो ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह एकदम रिजिड है और ना ही इंग्लैंड की तरह ये कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है। तो इस वजह से आज तक 125-126 अमेंडमेंट मूव हुए हैं, जिसमें से 105 अमेंडमेंट पार्लियामेंट हैज बीन एबल टू सेल थ्रू, राइट। तो फ्लेक्सिबिलिटी कंटिन्यू, सो दिस वाज द थर्ड सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा सेलियंट फीचर था, राइट। नाउ वी आर मूविंग टू डिस्कस फोर्थ सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज फेडरल सिस्टम
विद यूनिटरी बायस, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये सेलियंट फीचर कैसे हो जाता है, दैट इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। अब ये पूरे स्टेटमेंट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि फेडरेशन क्या है या फेडरल सिस्टम क्या है, फिर यूनिटरी क्या है, एंड देन कलेक्टिवली वील अंडरस्टैंड कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ये लेवल या सेलियंट फीचर कैसे हो जाता है, दैट इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। सो सबसे पहले समझते हैं वट इज दिस फेडरल सिस्टम। सो फेडरल सिस्टम इज नथिंग, इट टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सब यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो इंडिया में कितने लेवल पे गवर्नमेंट है, सो वी डू हैव गवर्नमेंट्स एट टू लेवल, वी डू हैव एट सेंट्रल लेवल, वी डू हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड एट द स्टेट लेवल वी डू हैव स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के लिए जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और कितना ईजी है, डिवोल्यूशन ऑफ दैट पावर राइट, वो कितना इजी है, दैट डिसाइड्स कि फेडरेशन या फेडरल सिस्टम की डेप्थ क्या है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, एंड अगर बॉटम में ज़्यादा है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास या बॉटम मोस्ट जो पॉलिटिकल यूनिट है या बॉटम मोस्ट जो गवर्नेंस का यूनिट है, अगर उसके पास पावर ज़्यादा है तो वो सिस्टम या वो पॉलिटिकल सिस्टम, वो नेशन ज़्यादा फेडरल कहलाएगा राइट। तो यूएस जो है वो मोस्ट फेडरल कंट्री कहलाती है, क्यों हम लोग जानेंगे जब हम लोग फेडरल सिस्टम का एक पूरा चैप्टर है, जब हम लोग आगे 11th 12th चैप्टर में जब चलेंगे तो वहां फेडरेशन के ऊपर या फेडरल सिस्टम के ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है। तो यहां अभी चूंकि हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे, बारीकी से डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग जस्ट फेडरेशन का मतलब, फेडरल सिस्टम का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, दैट इज टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सब यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इन इंडियाज केस इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सो हमारे पास भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्क्रियूल 7 है, एंड स्क्रियूल 7 टॉक्स अबाउट कि सेंट्रल लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, एंड देन कॉन्करेंट, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसपे सेंट्रल लेजिस्लेट कर सकती है, कौन से ऐसे लिस्ट है जिसमें स्टेट लेजिस्लेट कर सकती है, एंड कौन से ऐसे स्टेट्स सब्जेक्ट्स हैं जिसपे ये दोनों के दोनों कॉन्करेंटली लेजिस्लेट कर सकते हैं राइट। सो बिकॉज वी डू हैव दैट लिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट्स व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन कॉल्ड कि भाई ये फेडरल सिस्टम है। देर इज डिवीजन ऑफ पावर, एंड देर इज नॉट ओनली डिवीजन ऑफ पावर, देर इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर राइट। सो मोर द डिसेंट्रलाइजेशन एट द बॉटम, मोर फेडरल द कंट्री, एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि यूएस हैपेंस टू बी मोस्ट फेडरल कंट्री, क्यों ये हम लोग जानेंगे। अब क्यों बोला गया, अब यूनिटरी क्या है, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में आप देखोगे कि सारी की सारी जो पावर है, टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नेंस वी डू हैव, मींस नॉट वी डू हैव, इन पॉलिटिकल इन वेरियस काइंड ऑफ कंट्रीज डू हैव, यू डू हैव फेडरल गवर्नमेंट्स, यू डू हैव दिस यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स राइट। सो ब्रिटेन में आप देखोगे यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट से क्या मतलब है कि सारी की सारी पावर, लॉ मेकिंग पावर या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो टॉप में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लिमिटेड है, और नीचे वाली जो पॉलिटिकल बॉडीज है, बीट स्टेट्स और बीट ब्रिटेन का अगर एग्जांपल लूं तो ब्रिटेन में आपके स्टेट्स की जगह आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के पास जो भी पावर है वो पावर एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत पावर इन मेट्रोपॉलिटन सिटी के पास है, वो पावर जो इनको दी गई है मेट्रोपॉलिटन सिटी के को, वो पावर दी गई है, आप देखोगे डेलीगेशन, एक टूल होता है डेलीगेशन ठीक है। यू डू हैव डिसेंट्रलाइजेशन, यू डू हैव डिवोल्यूशन, एक टूल डिवोल्यूशन है, इसका गूगल करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इन तीनों के बीच में फ़र्क क्या है, डिवोल्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन। डेलीगेशन लेट मी टेल यू, डिसेंट्रलाइजेशन आपको बताया जा चुका है, डेलीगेशन मैं बता देता हूँ। डेलीगेशन इज नथिंग, ये जो है वो आप डिस्क्रिशन से है, जैसे आपके पास सारी की सारी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वेस्टेड है ब्रिटेन में, और आप बस अपना ईज करने के लिए, प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए आपने थोड़े टाइम के लिए डेलीगेट कर दिया अथॉरिटी को या लॉ मेकिंग पावर को, डेलीगेट की हे मेट्रोपॉलिटन सिटी और हे यू एजेंसी, यू मेक द लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट और यू एडमिनिस्टर दिस सब्जेक्ट टिल द टाइम वी डू नॉट टेक इट अप ठीक है। तो डेलीगेशन में पावर को है या अथॉरिटी को फिर से वापस लिया जा सकता है। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में जो है, जो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू स्टेट्स को दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो उसमें पावर्स को दोबारा लिया नहीं जा सकता। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड योर डिसेंट्रलाइजेशन राइट। आई होप यू डू हैव क्लैरिटी
ऑन दिस थिंग। सो इसमें अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों, हालांकि इंडियन गवर्नमेंट जो है या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो फेडरल सिस्टम बोला जाता है, बट इसमें क्यों बोला गया है यूनिटरी बायस। सो आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो कि फेडरल सिस्टम जिनको बोला जाता है, और कौन कौन से ऐसे सिस्टम हैं जिनको यूनिटरी बायसेस के लिए जाना जाता है। तो ये आपके फेडरल नेशन है और फेडरल कंट्रीज है, इसमें आपका यूनियन है और स्टेट है, ये यूएसए का एग्जांपल है। और यहाँ यूनिटरी का आप देखोगे तो यहाँ आपका इंग्लैंड का एग्जांपल है जिसमें यूनियन है, सब नेशनल गवर्नमेंट है एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज है। इस बीच में इंडिया डज नॉट हैपन टू बी मोस्ट फेडरल लाइक यूएसए, एंड सिमिलरली इट डज नॉट हैपन टू बी अ यूनिटरी नेशन लाइक यूके, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। तो इस कॉन्टिन्यूम पे आप देखोगे कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो यहां लाई करता है, यहां टॉप पे आपका यूनियन है, देन स्टेट है, अब थर्ड लेयर ऑफ गवर्नेंस और ऐड हो गया पंचायती राज, बट अभी फेडरेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग पंचायती राज को अभी छोड़ देते हैं। सो यू डू हैव यूनियन एंड स्टेट, और इन दोनों के बीच में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर है थ्रू स्केड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज दिस स्केड्यूल 7, वी लेट यू नो, ठीक है, इन अदर सेक्शंस ऑफ द पॉलिटी एज एंड व्हेन वी विल एंटरिंग हम लोग आपको बताते रहेंगे, राइट। तो अभी आप क्या देख रहे हो, इंडिया ना तो इतना यूएस की तरह फेडरल है और ना ही यूके की तरह यूनिटरी है, ये समवेयर इस कॉन्टिन्यूम पे इन बिटवीन में है। कुछ फेडरल फीचर्स भी है और कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, एंड इट इज फॉर दिस रीजन दैट सम पॉलिटिकल साइंटिस्ट लाइक केसी भेड़े, इन्होंने क्वासी फेडरल इंडिया को जो है क्वासी फेडरल नेशन बताया, नॉट द फेडरल नेशन। ऑल दो एनसीईआरटी में आप देखोगे जब पॉलिटी की पढ़ोगे तो देर आर 7 or 8 टेस्ट ऑन विच, और ये हम लोग जब फेडरल सिस्टम में जब एंटर करेंगे, जब चैप्टर में एंटर करेंगे तो ये आप कंप्लीटली देखोगे, हम लोग एनसीईआरटी के 8 पैरामीटर्स पे टेस्ट करेंगे और इंडिया हैपन्स टू बी अ फेडरल कंट्री, बट एलिगेशन लगाए जाते हैं कि इसमें एक यूनिटरी, कुछ यूनिटरी बायसेज भी हैं। तो हम लोग देखते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फीचर्स जो है वो फेडरल फीचर है और कौन कौन से फीचर्स जो है यूनिटरी फीचर है, और फिर देखेंगे कि एक्चुअली जो ये लेबलिंग की गई है या सेलिएंट फीचर में जो डाला गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैपेंस टू बी फेडरल विद यूनिटरी बायस, वो कितने हद तक सही है। तो ये जिस जिस के पीछे कुछ फीचर्स हम लोग अभी आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, और जिस जिस फीचर के पीछे आपका येलो हेलो आ जाएगा वो फीचर्स आपके फेडरल फीचर्स होंगे, और जिन जिन फीचर्स के पीछे ये ब्लू हेलो आएगा वो फीचर्स आपके यूनिटरी फीचर्स होंगे। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर होगा या यूनिटरी, सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों को पावर देता है, राइट, इक्वली डिवाइड करता है। जस्ट अ मोमेंट, सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के बीच में, स्टेट्स के बीच में और यूनियन के बीच में पावर का डिवीजन करता है, एंड दैट्स व्हाई इट हैपेंस टू बी अ फेडरल फीचर। नेक्स्ट फीचर दैट इज रोल ऑफ गवर्नर, रोल ऑफ गवर्नर कैसे अपॉइंट होता है, गवर्नर सेंटर अपॉइंट करता है, तो पावर को टिल्ट कर देता है सेंटर के पक्ष में, सेंटर के साइड में, राइट। और फेडरलिज्म क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म कि जो लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसको आपको स्ट्रेंथन करना है, जितना ज़्यादा आप लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करोगे उतना ज्यादा आप कंट्री एज अ नेशन आप फेडरल हो गए, राइट। सो रोल ऑफ गवर्नर इज नथिंग बट अ यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन नेक्स्ट इज ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज आल्सो हैपेंस टू बी अ यूनिटरी फीचर। क्यों यूनिटरी फीचर, बिकॉज अपॉइंटमेंट ऑल ऑफ इंडिया सर्विसेज दैट इज आईपीएस आईएफएस एंड आईएएस कैसे किया जाता है, तो वो अपॉइंटमेंट किया जाता है आपका सेंटर के द्वारा, और देन स्टेट में इनकी डेप्यूटेशन होती है, स्टेट कैडर एलोकेशन होता है, बट अल्टीमेट फाइनल कंट्रोल, अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल और सेंटर का फ्यूड चल रहा है तो उसमें ये कहीं ना कहीं फिर से ये एंगल आ रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स या फिर कैडर एलोकेशन रूल की भी इनको आर्म ट्विस्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स को आर्म ट्विस्ट सेंटर कर रही है कहीं ना कहीं। सो ऑल इंडिया सर्विसेज ऑल्सो हैपन्स टू बी ए यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन नो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, स्टेट्स के पास जब हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में आप देखोगे, दैट इज चैप्टर 5 की, स्टेट्स के पास अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बचाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा प्रोविजन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज पार्लियामेंट जब भी चाहे स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट कर सकती है, स्टेट्स का साइज छोटा कर सकती है, बड़ा कर सकती है, स्टेट के किसी पोर्शन को दूसरे स्टेट में मिला सकती है,
नाम चेंज कर सकती है. सो नो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस फीचर एज वेल यू विल सी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये यूनिटरी फीचर बन जाता है. देन यू डू हैव दिस इंडिपेंडेंट जुडिशरी. अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तो स्टेट्स के जब भी डिस्प्यूट होगा सेंटर और स्टेट के बीच में तो सेंटर का भी साथ दे सकती है स्टेट के, मीन्स इम्पार्शियल बॉडी होगी. तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी आप देखोगे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैपन्स टू बी अ फेडरल फीचर, इट विल नॉट बी अ यूनिटरी फीचर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि किस फीचर को मैं, और ये आपके मैचिंग में आ जाएगा. डिफरेंट टू लिस्ट दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा आइडेंटिफाई कि विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल फीचर एंड विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी फीचर. एंड दैट्स वाई सेपरेटली मैं आप लोगों को ये करवा रहा हूँ. नेक्स्ट इज इमरजेंसी पावर. इमरजेंसी पावर किसका है, किसके पास है, सेंट्रल कंट्रोल में. इसके थ्रू ये क्या करती है, सेंटर स्टेट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करती है, राइट. प्रेसिडेंट रूल इंपोज करवा के कई बार इसका मैनिपुलेटेड यूज होता है. जब हम लोग इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आप लोग देखोगे. तो इट इज आल्सो हैपेंस टू बी अ यूनिटरी फीचर. देन यू डू हैव सेवंथ स्केड्यूल. सेवंथ स्केड्यूल क्या करता है, सेवंथ स्केड्यूल आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन करता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. सो सेवंथ स्केड्यूल क्या होगा, आपका फेडरल फीचर होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, सिंगल सिटीजनशिप. सिंगल सिटीजनशिप क्या होगा, यूनिटरी फीचर होगा. देन यू डू हैव दिस सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका यूनिटरी फीचर होगा. देन यू हैव रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिजिड होगा तो इसको अमेंड करना, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर जो है वो काफी फ्लेक्सिबल है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर काफी रिजिड है. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपका रिजिड है इन दैट केस इट हैपन्स टू बी अ फेडरल फीचर. इसको क्योंकि पार्लियामेंट के पास अधिक कार है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कि रिजिड होंगे तो पार्लियामेंट भी इजीली अमेंड नहीं कर पाएगा, उसको स्टेट्स के पास रेटिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा. तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हैपेंस टू बी अ फेडरल फीचर. देन यू हैव अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन अपर हाउस. अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग आपका रिप्रेजेंटेशन है. सो दैट ऑल्सो हैपेंस टू बी अ यूनिटरी फीचर. देन बाइकैमरलिज्म. बाइकैमरलिज्म हैपेंस टू बी अ फेडरल फीचर. देन यू डू हैव, अगले स्लाइड पे देखते हैं तो आप देखोगे तो बहुत सारे फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो फेडरल फीचर्स हैं. ऑल दीज आर फेडरल फीचर, बट उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं यूनिटरी फीचर है. हालांकि की जस्टिफिकेशन है कि इतने सारे फीचर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी क्यों रखे गए हैं. सिंगल सिटीजनशिप कहीं ना कहीं आपका, जिस टाइम पे सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो इंडिया की जो स्टेट स्टेट था, इंडिया एज अ स्टेट जिस स्टेट में था, स्टेट ऑफ वॉर में कहीं ना कहीं था, तो उस टाइम जरूरी था कि स्टेट्स की पावर को कहीं ना कहीं वीकन रखा जाए, सेंटर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए और अलग अलग स्टेट्स को ये सिटीजनशिप देने का अधिकार ना. इमरजेंसी पावर विद अ सिमिलर रीजन, कई बार जो स्टेट की हैं अलग अलग टेंडेंसीज होती है, फिसापेरस टेंडेंसीज, जिससे कि स्टेट्स अपने आप को अलग करने की कोशिश, रीजनलिज्म को बढ़ावा ना मिले, इसलिए जरूरी है कि इमरजेंसी पावर्स सेंटर के पास रहे. रोल ऑफ गवर्नर सिमिलरली, ऑल इंडिया सर्विसेज, नो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. सो ऑल दीज आर एंड ऑल दीज फीचर्स, यूनिटरी फीचर डज हैव इट्स ओन जस्टिफिकेशन. अभी जस्टिफिकेशन वाले पार्ट में हम नहीं जा रहे. तो जस्ट बिकॉज यू डू हैव फेडरल फीचर्स एज वेल एंड जस्ट बिकॉज यू डू हैव यूनिटरी फीचर्स एज वेल एंड इट इज बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स दैट यू विल नोटिस कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है विद यूनिटरी बायस. तो आई होप यू डू हैव क्लैरिटी कि ये फोर्थ फीचर जो आपका था फेडरल फेडरल विद यूनिटरी बायस, फोर्थ सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपको क्लैरिटी होगी. यहाँ कुछ कंट्रीज जो हैं ये आपके ग्रीन में जो है ये फेडरल कंट्रीज है, और यहाँ जो ब्लू में है ये आपके यूनिटरी कंट्रीज हैं. ठीक है, आपको क्लैरिटी हो गई होगी. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और आने वाले जो भी आपके सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट अ मोमेंट, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी विद जुडिशियल सुप्रीमेसी. देन नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, ऑल दीज सेलियंट फीचर विल बी कंप्लीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो. सो जो हो गई हैं वो इस वीडियो में है, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो टिल वी कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय.